डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वैट के बारे में डिस्कस करेंगे। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। आपको पता है कि कोई चीज़ अगर आप खरीदते हैं तो पहले, बहुत पुरानी दिन की बात है ये, कि पहले हम सेल टैक्स या कुछ अलग अलग तरीके के टैक्स वो चीज़ के ऊपर लगते थे, वस्तु के ऊपर लगते थे और वो हम खरीदते थे। एग्जैक्टली उसके बाद में गवर्नमेंट ने उसमें मॉडिफिकेशन करके सब टैक्स को एक कंबाइन करके वैल्यू एडेड टैक्स बनाया, वैट। एग्जैक्टली अभी तो वैट की जगह नया टैक्स आ गया, डेट इज GST। ओके, लेकिन आपके सिलेबस में वैल्यू एडेड टैक्स है। सो डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल सो दैट फॉर एनी एडिशन ऑफ न्यू वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो वैल्यू एडेड टैक्स, तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? इट इज अ टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वेरियस गुड्स। इज दैट क्लियर? एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? सेलिंग प्राइस। जो आर्टिकल या गुड्स बेचना है, जिसकी बेचने की जो प्राइस है उसके ऊपर वैट कैलकुलेट होता है। ओके, इफ डिस्काउंट इज गिवन देन वैट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? अगर डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट, सॉरी प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट विल बी बिकम एज सेलिंग प्राइस, तो उसके ऊपर वैट कैलकुलेट होगा। ओके, so if the discount is given then VAT is calculated on, iske upar calculate hoga, VAT is calculated on printed price minus discount। okay, to ek cheez aapko dhyan mein rakhna hai yahan pe ki ye rahi, the VAT is imposed by the government, central government और स्टेट गवर्नमेंट। एग्जैक्टली ऑन वेरियस गुड्स। ओके, एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, SP। एग्जैक्टली एंड डिस्काउंट अगर दिया तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट ऑन व्हाट? प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस PP। ओके, एंड दैट इज सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगी फिर? सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, और इसके ऊपर ये जो सेलिंग प्राइस है इसके ऊपर क्या कैलकुलेट होगा? वैट। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल। समीर बॉट अ शर्ट फॉर ₹, देखो समीर बॉट अ शर्ट फॉर ₹336। ओके, विथ इंक्लूडिंग, यानी ये वैट इंक्लूड है, इंक्लूडिंग वैट 12%। एंड उसने नेक टाई खरीदा है फॉर ₹110। इज दैट क्लियर? एंड हियर इज वॉट? 10% वैट, इंक्लूडिंग 10%। फाइंड द प्रिंटेड प्राइस विदाउट वैट ऑफ शर्ट एंड नेक टाई। ओके, विदाउट वैट हमको ये प्रिंटेड प्राइस निकालना है शर्ट की और नेक टाई की। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए अभी क्या है, तो लेट द प्रिंटेड प्राइस, लेट प्रिंटेड प्राइस ऑफ शर्ट बी एक्स, बराबर है, एंड प्रिंटेड प्राइस ऑफ
नेक टाई बी इक्वल टू वाई, बराबर है। नाउ वैट ऑन शर्ट कितना है 12%, सो इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/100 इंटू प्रिंटेड प्राइस कितनी है शर्ट की x, ओके, सो इट इज इक्वल टू कितना आएगा 4 × 3 = 12, 4 × 25 तो 3x/25 ये हो गया एक, ओके। दूसरे के बाद में वैट ऑन नेक टाई कितना है 10%, तो कितना आएगा 10/100 इंटू नेक टाई की प्राइस कितनी है प्रिंटेड प्राइस y, तो ये कितना आएगा y बाय ये 10, 10 × 100 तो y बाय 10, ये दूसरा हो गया, ओके। सो नाउ देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू कितना होगा प्रिंटेड प्राइस प्लस वैट, प्रिंटेड प्राइस कितने है x और वैट कितना है 3x/25, बराबर है। तो बराबर है, और सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितने है? कितने में शर्ट लाया उसने 336 इज इक्वल टू, बराबर है, ये कितना आएगा 25x + 3x/25, दिस इम्प्लाइज 336 × 25 इज इक्वल टू, ये 25x + 3x इतना होगा, ये एलसीएम लिया हमने x बाय वन था तो एलसीएम 25 हुआ, तो इट इज इक्वल टू 28x, इज दैट क्लियर, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 336 कितना आएगा, इट इज इक्वल टू कैलकुलेट करिए आप 14 × 28 और ये कितना आएगा 168, बराबर है। एंड देन 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, 12 × 25 कितना होगा 25 × 12 × 5 = 60 = 300, ओके। तो x कितना आया 300, व्हाट इज x प्रिंटेड प्राइस ऑफ शर्ट, ओके। देन एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ नेक टाई इज इक्वल टू क्या होगा प्रिंटेड प्राइस प्लस वैट, प्रिंटेड प्राइस y है और वैट कितना है y बाय 10, ओके। और सेलिंग प्राइस कितनी है, कितने में उसने नेक टाई लाया 110 में, ओके, इज इक्वल टू ये होगा 10y + y/10 ये y बाय 1, ओके। सो व्हाट वी आर, अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, तो कितना आएगा इट इज इक्वल टू कितना आएगा 10 × 110 × 10 इज इक्वल टू 11y, ये 10y + y कितना होगा 11, ओके। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा 1100/11 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 100, ओके। सो दस प्रिंटेड प्राइस ऑफ
प्रिंटेड प्राइस ऑफ शर्ट एंड नेक टाई टुगेदर इजिकुड कितना होगा, शर्ट की 300 आई एक्स और नेक टाई की इतने 100 इज इक्वल टू रुपीज 400, डेट इज फाइनल आंसर, इज डेट क्लियर। सो ये होगी आंसर। मैं हमको क्या निकालना था, फाइंड प्रिंटेड प्राइस ऑफ शर्ट एंड नेक टाई। ओके तो ये प्रिंटेड प्राइस आ गए। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। समीर बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके देखिए उसने क्या क्या खरीदा है। शर्ट, कितने शर्ट खरीदे, 4 शर्ट्स एट द रेट ऑफ, एक शर्ट होगा 200 का। शूज, पेयर ऑफ शूज, 2 पेयर लाए, एक पेयर है 350 के, रुपीज 350। एक टीवी सेट लाया जिसकी प्राइस है 10,900 और एक टी सेट लाया जिसकी प्राइस है रुपीज 750 और इसके ऊपर वैट है 8% शर्ट्स के ऊपर, 8% ऑफ टोटल प्राइस, और पेयर के ऊपर, पेयर ऑफ शूज के ऊपर 10%, टीवी के ऊपर 10% एंड टी सेट के ऊपर 8%। इज दैट क्लियर। कैलकुलेट द टोटल बिल पेड इंक्लूडिंग वैट टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। इज दैट क्लियर। अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा रफ में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। शर्ट की टोटल प्राइस क्या हो जाएंगे, एक 200 का है तो कितना होगा 800। शूज़ कितने के होंगे, 700 बराबर है। टीवी बराबर है और ये 750। अब इसके ऊपर वैट कैसे आएगा, 8% मतलब 8/100 इंटू 800 बराबर है। ये कितना आएगा, 10% 10/100 इंटू 700। इज दैट क्लियर। ये तो इस टाइप के कैलकुलेशन आ गए बैठ के, तो देखते हैं हम अभी। सो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट्स कितने, 4 × 200 यानी कितने हो गए 800 बराबर है। एंड वैट कितना होगा, इज इक्वल टू 8%, सो दैट इज इक्वल टू 8/100 × 800 तो कितना आएगा, 64। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट्स विथ वैट इज इक्वल कितना होगा, 800 प्लस 64 डेट इज इक्वल टू रुपीज 864। दिस इज इक्वेशन पहला हो गया। सिमिलरली टोटल कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज कितना होगा, 2 × 350 यानी 700 एंड वैट कितना होगा, इक्वल टू 10% डेट इज 10/100 × 700 तो ये कितना आएगा, 70 एंड देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ नेक
शूज शूज विथ वैट कितने हो जाएंगे, प्राइस 700 प्लस वैट कितना है 70, यानी कितना हो गया 770। ये दूसरा हो गया हमारा। ओके नाउ टीवी, कॉस्ट ऑफ टीवी कितना है 10,900 एंड वैट कितना है, वैट कितना है 10%। सो ये आएगा 10/100 इंटू 20 कट गए यहाँ पे, तो कितना आएगा 109। ओके सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी विथ वैट कितने हो जाएंगे, ये एक्चुअल कॉस्ट प्लस वैट कितना हो गया 10,900 प्लस 109, तो कितना है इट इज इक्वल टू 10,900 है, ये है इट इज इक्वल टू 1090, इज दैट क्लियर, तो ये 1090 कितना आएगा 11,990 बराबर है। ये हुआ हमारा 3। ओके अब 4, कॉस्ट ऑफ क्या है टी सेट, टी सेट कितना है 750 एंड वैट कितना है 8%। सो इट इज इक्वल टू 8% एंड 8/100 इंटू 750 तो कितना आएगा 10 आंसर होगा। 5 2 10 और 15 5 15 75, 2 1 2 2 4 8 तो कितना है 60। ओके सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ टी सेट विथ वैट कितने होंगे 750 प्लस 60 यानी कितना होगा 810, दिस इज 4 एंड देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड कितना आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो इक्वेशन 1 में कितना आएगा 864, इक्वेशन 2 में कितना आया 770, तीन नंबर का कितना है 11,990, ये शर्ट्स का टोटल कॉस्ट, ये शूज का इंक्लूडिंग वैट और ये टीवी का इंक्लूडिंग वैट और टी सेट का 810। ओके अब इनकी टोटल किया तो कितना आएगा 14,434 रुपीज, ये फाइनल आंसर, इज दैट क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर टू द स्टूडेंट्स हु आर इन नीड। ओके एंड थैंक यू वेरी मच।